थ्री हंड्रेड प्लस कार्सनी चालीस गाड़िया चालीस ओनर उनके दो तीन फ्रेंड होंगे मेरा नेटवर्किंग हो जाएगा द टर्न आउट वॉज अबाउट हंड्रेड कार्स एंड द फुटफॉल वॉज सेवन हंड्रेड पीपल Damn. तो को था मैं चार महीने पहले पहुंचूंगा चार महीने में बैंगलोर में रहूंगा मैं वहां का कल्चर देखूंगा क्या है लोगों से मिलूंगा उनसे यू नो आई पुट फेस आउट सो में हैविंग टू ऑफ ऑफ द द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया मैं अपने नोटबुक बुक निकाली मेरे नोट्स बनाता हूँ क्या क्या बात करनी है कैसे बात करनी है ऐसे प्रोफेशनल रखूंगा ये ये बोला है <laughs> सर करके बात करनी है ये सब करना है तीस मिनट हुए कॉल आया मैं क्या हाय सर इज लाइक हाय ब्रो हाउ आर यू मैं कहा ये यार ये तो कैजुअल हो गई ये ये तो नोट्स में नहीं लिखा था अब मैं क्या करूं सार्थक माय मैन हाउ इज इट गोइंग इट्स गोइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग हाउ आर यू आई एम ग्रेट मैन सो ग्रेट टू हैव यू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग अस टू बेंगलोर फॉर पिप मंत्रा

ये सड़क पे गाड़ी चल रही है ये इसका क्या नाम है क्या चल रही nah. है कैसे चल रही है क्या हो रहा है यहाँ पे सो so, जी माय डैड इज़ नॉट एन एंथजाज ही इज़ नॉट अ कार एंथज एंड फिर भी आई हैव ऑनेस्टली नो आइडिया कि बचपन में कहाँ से मेरे को वो कार्स की चीज़ आई मेरे अंदर की शौक है नाम जानने का है सो इट ग्रू ऑन फिर कार्स की मूवीज़ देखा करता था वो एनिमेटेड कार मूवीज़ दैट आई थिंक दुड बी वन ऑफ़ द ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ मी गेटिंग इन टू इट बट

फॉर फॉर जस्ट द सेक ऑफ इट राइट कि बचपन से वो देखता आ रहा हूँ अभी भी आई डू वॉच दम फास्ट के बारे में क्या कहना है आपका ग्रेट आपको लव यू नो एस्पेक्ट ऑफ इट कि वो कार कल्चर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके का होता है द ब्रदर और फैमिली थिंग एंड एड एवेंचुअली आईट से आफ्टर दूवी इट कॉट मोर इन टू द एक्शन

अब मैं मर्सिडीज ऑडियंस दिखती थी मेरे को ठीक है मीडिया में एक्सपोज इतना कितना एक्सपोजर था सो बचपन से तो मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू दिखती थी पापा बताते थे महंगी गाड़ियाँ मेरे को देख के सुनने लगती थी सो दो बट यू नो वंस आई स्टार्टेटिंग इन टू इट Hmm. कार्स देखनी शुरू की घर पे मैंने मैगजीन्स मंगवानी शुरू की सो hmm. so, तब सबसे ज्यादा हाइप और सबसे ज्यादा जो मैं मैगजीन में देखता था वो बुगाटी एंड इट वॉज बुगाटी वेर ऑन उसके बारे में चीजें पढ़ने लग जाता था क्या है ऑल एलुमिनियम एंगल डब्ल्यू सिक्सटीन इंजन सारी चीज़ें ऐसे रटता रहता था कि कोई भी पूछेगा ऐसे ऐसे बताऊंगा सो इट्सार्थ बुगाटी एंड देन इवेंचली यू नो हर कार से मे को लाइक आई गॉट इन टू लविंग Every car, hmm. rather than just having one favorite, but hmm. it started with the Bugatti. I mean, there obviously the W sixteen and the kind of power it sort of creates. But it's a piece of art, man. You it look is. at it and then wear <laughs> on, then on the super sport. But again, the price tag. Yeah. Garth, definitely. The <laughs> on <the price> tag. <laughs> hmm. So how did you come up with Bhut Mantra? And yin naam can say. सो आई ग्रेजुएटेड फ्राम ऑटोमोटिव एंड वहीकल टेक्नोलॉजी ओके राइट मैं इंडिया वापस आया एंड मेरे को तो आप कार सीन में घुसना है मेरे को ठीक है कार मीट्स में जाना है कुछ भी मतलब नेटवर्किंग करनी है लोगों से जानना है कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है ठीक है सो आई कुडेंट फाइंड एनी कार मीट काफ़ी ढूंढना मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट भी किया सो उसके बाद आई थॉट यू नो वॉट आई हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज मैं खुद एक पुल ऑफ कर सकता हूँ सो so, दिसंबर में मैं वापस आया था ओके फेबररी टू मंथ्स लेटर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आई वेंट फॉर इट मे सोल पर्पज बींग कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है लोगों से एंड एक अच्छी सी कम्युनिटी बनानी है ठीक है जिसमें सब इन्वॉल्व हों सब कुछ सब एक अलग से ना कि इंडिया की कार कम्युनिटी है ये नहीं कि जापान की कार कम्युनिटी मानते हैं कि ठीक है जापान का कार कल्चर अलग है यूएस हाँ। एस में भी है ये सारे बट एक इंडिया का अपना होना चाहिए सो so विद मैंने शुरू किया दैन नेम पे आया मैं अब नेम हाँ, तो बनाना पड़ेगा किस कुछ शुरू कर रहा हूँ सो द आइडिया बिहाइंड आई वॉन्टेड अ ब्लैंड ऑफ द मॉडर्न कार कल्चर एंड एंड इंडियन टच टू इट समथिंग दैट कनेक्टेड टू इट्स इंडियन रूट इज वेल सो विप फॉर ऑल द कार्स एंड बाइक्स एंड मंत्रा वॉज टू गिव दैट इंडियन टच सो विप मंत्रा एंड देन पार्ट ऑफ द रीजन वॉज ऑल्सो कि मेरे को उसको ट्रेडमार्क कराना था हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पर यूजर नेम चाहिए था मेरे को यूट्यूब पे यूजर नेम चाहिए था मेरे को हर जगह वर्ड चाहिए था एंड दिस वॉज द वर्ड दैट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर सो इट ऑल अलाइन परफेक्टली एंड देन आई वेंट फॉर इट लव इट्स क्वालिटी लव इट लव इट सो वॉट इज योअर विजन नाउे मंत्री शुरू मैंने इसमें किया था देखो मेरा बिलीफ है कि हम इंडियंस में वो पैशन और स्पिरिट है कि of एक course. ना यूनिक कार कल्चर इंडिया के अंदर बन सकता है वॉट वी लैक इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड माई इनिशियली अभी गोल तो है कि मैं लोगों को ना वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ mm -hmm. एक वो जो उनके अंदर पैशन एंड जो ऑलरेडी है ना उसको ट्रिगर करूँ mm -hmm. क्योंकि अब जैसे गुड़गांव में मैंने कार मीट की राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सारे कार इंतजार एक साथ आए गाड़ी लेके आए लोग जिनके पास गाड़ी नहीं भी है उन्होंने आके वो एक्सपीरियंस किया सबके अंदर ना वो पैशन ट्रिगर हुआ कि हाँ दिस इज़ समथिंग ये कर सकते हैं उसके बाद काफ़ी लोग मेनी पीपल हैव बीन ट्राइंग टू डू इट एज वेल काफ़ी लोग कर रहे हैं दैट्स गुड इट्स इवेंचुअली इट मेक्स द कार कल्चर दैट मेरा जो गोल hmm. है कि ये कार कल्चर यूनिक इंडिया में बने इट हेल्प्स इन दैट एज वेल आगे के लिए अब जैसे पहली कार मीट थी hmm. उसमें ठीक है प्योरली कार मीट hmm. वाले में एडेड अ अ ड्रिफ्ट एलिमेंट फॉर द नेक्स्ट वन आई डू हैव इन प्लान कि कि आई डू हैव अ ऑफ यू नो ये चीजें ऐड कर सकते हैं बट टू वेट फॉर दैटा स्निक स्निक वर्किंग बैंगलोर की कार मीट जस्ट अभी रिसेंटली oh, हुई है राइट एंड लॉर्ड

mods, exhaust, loud cars, EVs. We had everything. We had retro cars, yeah. Indian, and we also had a a really old Land Rover as well. I yeah, was that was appled. a Series 3 1989 eighty oh, nine. Sorry yeah. for my language, but <laughs> fish. <laughs> but yeah, mm -hmm. killer. So, we है solo project है, so आई एम टीम बनाओ माई पीपल मेरे को काम डेलीगेट करना शुरू करना पड़ेगा yes. I can't be like, कि सब मैं करूंगा रिलाय नहीं करूंगा किसी पर बट आई वु नो डेलीगेट दर्क तो इट्स अंडर प्लानिंग चल रहा है nice. आई थॉट ऑफ माई सेल्फ एज बट देन जब मैं बैंगलोर गया और मैंने देखा द स्केल द काइंड ऑफ कार्स एंड लोगों का पैशन है यार गाड़ियों mm. को लेकर आई सो सिविक्स मॉडर्ड मैंने देखा अकॉर्ड्स वी डब्ल्यू पोलोज उन्होंने मतलब कस्टम रैप्स करा रखे हैं एक सॉस में से धुआं निकल रहे हैं आग निकल रही है एनी थो नो

गुड़गांव में थी आई एम फ्रॉम गुड़गांव मैंने घर के पास ही वेन्यू ढूंढा था इनिशियली इट वॉज प्लान एज बिग एज इट टर्न आउट टू बी ओके मैं मेरे को था मेरे को बेसिकली नेटवर्किंग करनी है ना hmm -hmm. मेरे को लोगों को बुलाना है hmm. एक कार मीट होस्ट करनी है कुछ छोटा सा कल्चर बनाने की कोशिश करनी है कि ये ठीक है कुछ यूनिक सा रहे आई hmm.

जो प्रोडक्शन होनी थी जो लाइटिंग सेटअप सब कुछ था yeah. वो सब बड़ा हो गया मेरे स्पॉन्सर्स भी बड़े हो गए बिकॉज अब काफी सो इट वॉज ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जो वायरल गई थी बट द थिंग वॉज ट्वेंटी एट्थ अप्रैल को मैंने कार वाज़ ट्वेल्थ में ट्वेंटी एट्थ अप्रैल को से लेके hmm. जो एट्थ में दैट्स लाइक हाउ मेनी डेज टेन डेज टेन डेज इन टेन डेज में मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया था जो मैं पहले छोटी सी एक नॉट वेरी कॉस्टली कार मीट करने वाला था हाँ उससे विद इन द टन डेज मैंने एक अलग प्रोडक्शन टीम लेके स्पॉन्सर से बात करके सब कुछ विद इन टेन डेज़ वो पुल ऑफ किया आई मी एन आइडिया ऑफ द चेंज कि हमने क्या पहले प्लान किया था और एंड में क्या बन गया सो दे वॉज नो प्रोडक्शन टीम इन द स्टार्ट कोई लाइटिंग नहीं थी कुछ hmm. नहीं था hmm. मैंने M3M से बात की थी, कि आप मेरे को ना नीचे स्पेस दो हाँ. मैं कार्स बुलाने वाला हूँ हाँ. हम लोग कुछ करना भी नहीं है हम लोग बस गाड़ियाँ लेके खड़े होंगे आपस में बातें करेंगे कम्युनिटी की गैदरिंग वेरी इनफॉर्मल ऑलमोस्ट है ना इनफॉर्मल कुछ मतलब मेरा भी कुछ खर्चा नहीं जाना उन लोगों का भी जाना उनको गाड़ी लानी है मिलते हैं बात करते हैं लास्ट टेन डेज जो मेरे को मेको अब था कि अब इतने सारे लोग आ रहे हैं राइट right? मेरे को टिकट सिस्टम रखना था वो इनिशियली मैंने प्लान किया हुआ था बिकॉज अब टिकट सिस्टम से क्या है मैं अब टिकट्स रखी ना मेरे को हर बार एक तो टिकट्स बढ़ानी पड़ रही थी क्योंकि लोगों की इंक्वायरी इतनी आ गई थी और मेरे को स्पेस बड़ी मिल गई थी ओके okay. स्पेस बड़ी मिली अब मैं कह लोग इतने सारे आ रहे हैं एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ आईज ऑन इट तो आई शुड मेरे को अपना ना कुछ प्रोडक्शन की सारी चीज़ें मेरे को इसमें आई शुड पोर्ट एंड टू इट ठीक है उसको सुंदर बनाना चाहिए सो आई स्टार्ट रिसर्चिंग की कौन कौन सी कारमीट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं यूट्यूब hmm. देखा इंडिया के अंदर जितनी कभी hmm. हुई हैं उनको देखा सबको देखा सो आई केम अप प्लान कि मैं इसको थोड़ा टोक्यो वाइप दूंगा ठीक nice. है वैसी पार्किंग लॉट में कर रहा था मैं hmm. तो वो सारा लाइटिंग सेटअप hmm. अब सुपर कार्स आने लग गई थी हाँ तो मेरे को उनको एक प्राइवेट जोन देना था जिसमें यू नो सब लोग नहीं घुस सकते एंड yeah. उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए होती course, है yeah. तो उसके लिए बाउंसर्स वो रोप्स एंड बुलाट्स खर्चा बढ़ता गया मेरा बट वाज सी वाज फाइन इट्स दैट वॉज एन रियली एन इशू बट एकदम से वो लास्ट टेन डेज में सारे चेंजेस थे मेरे को ख़ुद नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था कुछ मेरे को मैं काफ़ी प्लान किया था कि पोस्ट वोस्ट भी करूँगा सोशल मीडिया भी खुद संभाल रहा था प्रोडक्शन टीम के साथ बात भी मही कर रहा था लोगों से भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा था इंस्टाग्राम पर रिप्लाई भी सबको मैं ही कर रहा था स्पॉन्सर से बातें करना उनको मनाना उनको बुलाना उनका सारा कोऑर्डिनेशन करना सारा सो फर्स्ट कार मीट में तो वो हंड्रेड परसेंट सोलो बैंगलोर कार मीट थोड़ा बहुत मैं डेलीगेट करना शुरू किया yeah. राइट क्योंकि फ़र्स्ट काइम मीट में तो सारी एडिटिंग भी सोशल मीडिया की मेरी थी मैंने किसी को सोशल मीडिया पे वीडियोज़ के लिए भी हायर नहीं किया था hmm. कि कोई वीडियोज़ मेरी एडिट करके दे वो मैं पाँच मिनट में ऐप खोल के कुछ ना कुछ डाल के मैं कहा डाल देता हूँ हो जाएगा सो काफ़ी चेंजेस आए थे सेकेंड hmm. की बात करते हैं मुझे स्केल तो तो बताओ पहले हम जब शुरू किए थे तो कितनी लेट से हम को हमने रखा था, कि so, मैं मैं था, कि हाँ। था चालीस गाड़िया हो जाएंगी चालीस गाड़ियों चालीस गाड़िया चालीस ओनर उनके दो तीन फ्रेंड होंगे नेटवर्किंग हो जाएगा द टर्न आउट वॉज अबाउट हंड्रेड कार्स

प्लेटफॉर्म मिलते ही यू नो इट इट ट्रिगर्ड इट की ये चीज़ है अब उनको और है कि और में जाना है और कार मीट्स में करना है yeah. खुद भी है कि मैं भी कर सकता हूँ एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्जैक्टली आई मीन इफ आई हैव अ कार एंड मैंने उसको कुछ अपने हिसाब से ट्यून किया है या मैंने उसको कुछ अलग पेंट्स स्कीम दिया है नॉर्मल थिंग्स वैन आई गेट टू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है इवन आई एम क्यूरियस हैं बाकी लोगों ने क्या कर रखा है उनका पैशन है of हाँ. course, वो दिखाने के लिए चाहे नहीं भी कर रहे जस्ट वॉन्ट डू इट बट फिर भी इफ देर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी की लोग आपकी बिल्ड देख सकते हैं तो दे वु कम एंड बेसिकली भैया ना यू आर वाई बट्रैक्स यो ट्राइव तो अगर आप वहाँ आओगे यू नो इट्स लाइक माइंडेड पीपल हु इन देयर कार्स एज देर बेबीज सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैम भाई तूने ऐसे क्या किया मैंने ऐसे क्या इन यू सी एन यू लर्न इज वेल सो ग्रेट सुपर सेकेंड इवेंट वाई बेंगलोर पहले ये बताओ सो फर्स्ट कार मीट के बाद ना आई स्टार्ट गेटिंग लॉर्ड ऑफ क्वायरीज लॉर्ड ऑफ पीपलिंग टेलिंग मी की यू नो यहाँ पे करो ये स्पॉन्सर्स ऑलरेडी हैं दीज थिंग्स सो आई हैड क्वायरीज फ्राम ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज इन इंडिया हाँ राइट अब मेरे को चूज करना था एंड द रीज़न दैट आई वॉन्टेड गो आउट वॉज जो मेरा टैक्टिक था ऑन सोशल मीडिया नॉट रिवीलिंग द सिटी वॉट हैपन बिकॉज ऑफ इट कि अब मैंने दस दिन का वो काउंट डाउन डाला एंड लोगों को सिटी नहीं बताई मैंने सो वॉट वॉज हैपनिंग सब लोग मेरे को हर सिटी से फॉलो कर रहे थे कि कहाँ hmm. पे होने वाली है नाउ फॉर दैट टू वर्क अगेन आई कान्ट डू दैट टेन डे काउंट डाउन फिर काउंट डाउन फिर से एंड फिर से मैं वापस गुड़गांव में रख लूँ सो आई हैड टू गो है सो फिर सारा यू नो एनालाइज करते हैं कहाँ पे बेटर रहेगा कहाँ पे मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कंपनी वाइज सो बैंगलोर वॉज दैट स्टोड आउट एंड बैंगलौर चला गया मैं अब चार महीने रहा था मैं बैंगलौर में सोल पर्पजस ऑफ द कार मीट क्योंकि आई डेंट वॉन यू नो ऐसे नहीं करना था मेरे को कि ठीक है लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को आ ही जाएंगे हाँ। मैं उनको बता दूंगा यहाँ कार मीट हो रही है एक दो दिन पहले चला गया कार मीट कर दी मेरा क्या था मेरा मेन गोल नेटवर्किंग था राइट right? तो मेरे को था मैं चार महीने पहले पहुँचूंगा चार महीने मैं बैंगलौर में रहूँगा मैं वहाँ का कल्चर देखूँगा क्या है लोगों से मिलूंगा उनसे यू नो आई पुट माई फेस आउट दैर बिकॉज क्या होता है जो कार ओनर्स है ना उनको मोटिव के साथ साथ दे ऑल्सो नीड अ फेस टू ट्रस्ट उनको है कि चलो ओके वी नो दिस गाय ना विल कम राइट कहीं सोशल मीडिया पे देख ले तो दैट्स नॉट ऑलवेज सर्टन की दे वुड वॉन्ट अ कम सो फोर आई हाउस देयर प्रिपेयरिंग फॉर द काम टॉकिंग टू स्पॉन्सर्स टॉकिंग टू ऑल दर्ज दैर सो वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आई लर्न अ लॉर्ड देर काफ़ी अच्छा रहा था सो बैंगलोर का तो यही था कि मेरे को फिर बैंगलोर में करना ही है hmm. घी yeah. पोड़ी इडली खाए वहाँ बैंगलोर में नहीं मेरे पास ना कहीं रेस्टोरेंट जाने <laughs> का टाइम था ना मेरे पास वहाँ पे कहीं घूमने का टाइम था एक मेरा फ्रेंड था उधर उसके <laughs> साथ में थोड़ा बहुत बाहर चला गया था वहाँ वो भी गो कार्टिंग करने गए हम लोग बट अदर देन दैट बस प्योरली जस्ट यू नो वर्क ऑन एट बिकॉज कैरी दिस आउट राइट आई नॉट सी इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट नीडेड तो

So, is सो इज वायज एग्जैक्टली प्ल्ड आई न्यू द वेन्यू दैट आई हैड वेन्यू में जो कार्स की पार्किंग स्पॉट अवेलेबल टू मी वो थ्री हंड्रेड ओके सो मेरा इनिशियली से ही गोल था कि मुझे तीन सौ गाड़ियाँ लानी है भरना ठीक है तीन सौ गाड़ियों का ही करना है आई थिंक द एग्जैक्ट अमाउंट वॉज अबाउट टू फिफ्टी टू टू एटी कार्स लेकिन तीन सौ का लेके चलूंगा तो इतनी आएंगी ठीक मैं है मैं पहले से ही कम लेता तो फिर उससे भी और कम आती mm -hmm. तो जो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने किया क्योंकि कि अब मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया था किस तरीके से प्लान करना है किन hmm. लोगों से बात करनी है कैसे बात करनी है सो नॉट मच चेंजेस दिस टाइम जैसे प्लान करके चल रहा था वैसे ही हुआ सुपर एंड जो हमारा ड्रिफ्ट था इस बार आई वॉज इनक्रेडिबल एंड सो मैनी पीपल लव आई वॉज देयर गाइस एंड वहाँ पे इतनी भीड़ थी इतनी ज़्यादा एफ hmm. टेन दलाल

लोगों को yeah. ये भी होगा कि ये तो हमने देख तो लिया ही इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है आए hmm. मेरे को था कि मेरे को कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है ब्यूटिफुल फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड ऑब्वियसली वाज कि मुझे ड्रिफ्टिंग करनी है बिकॉज दैट दैट इज एन एलिमेंट दैट वॉज मिसिंग एंड दैट नॉट समथिंग दैटली यू नो है इट सो so, वो स्टार्टिंग से प्लान था बिफोर आई वेंट टू बैंगलोर क्योंकि बैंगलोर जाने से भी पहले मैंने प्लानिंग की थी राइट yeah. तो बैंगलोर पहुंचने से पहले से प्लान था मेरा कि मेरे को ड्रिफ्टिंग ऐड करनी है सुपर आई रीच आउट टू रेड बुल मैंने कहा देखो ये है मुझे करना है hmm. तुम लोगों से करवाना है साथ में करेंगे कुछ हम उनको मैं आई वॉज क्लियर राइट कि मेरे को छोटी मोटी चीज़ भी नहीं करनी आई वॉन्ट योर फुल सपोर्ट मेरी hmm. तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग सो दे वर इंटरेस्टेड उन्होंने रेडबुल का स्टार्टिंग से सपोर्ट साथ रहा दे आर वेरी फ्रेंडली वेरी हेल्पफुल नाइस सो उनके साथ वी पोल्डेड ऑफ एंड इट टर्न आउटिकेट दैट वॉज अमेजिंग आई मीन द बिग बिग हाईलाइट आई लव आई टॉक अब बीजेपी बट आई लव दीज कार्स बट बताओ यू चैलेंजेस वॉट कैंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस यू नो ऑर्गनाइजिंग टिंग टू पीपल कन्विंसिंग ये हमारा स्पेस को लेकर ऑल द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड सी इनिशियल चैलेंजेस अगर मैं फर्स्ट कारमीट तक भी जाऊँ ना आई है मुझसे मैं आप मे को एक साल पहले देखोगे मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाता ठीक है थिंक ट्वाइस इफ नॉट टेन टाइम्स की बात करूँ नहीं करूँ कैसे करूँ क्या बोलूँगा बट अब जब मैंने सोच लिया कि मेरे को कारमीट करनी है hmm. आई हैड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट शर बिकॉज अगर मैं लोगों को रीच आउट नहीं करूँगा मैं लोगों से बात नहीं करूँगा उनसे यू नो नेटवर्किंग करने की कोशिश नहीं करूँगा तो ये कारमिट होगी नहीं और मेरे को था मेरे को कारमिट करनी है एनी थिंग एर्स मान लो मैं किसी एक फाइन संडे मॉर्निंग उठा कि मुझे आज अपना इंटरवर्ड नेचर चेंज करना है मैं नहीं कर पाता कि कोई बात नहीं अब कल बात कर लूँगा उससे कल बट दिस इस टाइम क्या था मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी <laughs> तो जब ये था कि करना ही पड़ेगा तो इवेंचुली क्या हुआ मैं धीरे धीरे बात करता रहा लोगों से धीरे धीरे ना द फ्यर द वो चीज़ की यू नो मेरे को पहले से प्रिपेयर करना है क्या बोलने वालों क्या बोलूँगा वो ये पूछते हैं तो क्या करना है अब इट कम्स नेचुरली इतने फ्यू मंथ्स में ही देर बिन अ वेरी बिग चेंज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट यू नो अब फर्स्ट कार मीट में बिग बॉ टॉयस को मैं लेके आया ठीक है Crazy. अब बिग बॉट ऑयस से बात करनी है मेरी उनसे मीटिंग सेटअप हुई कॉल पे ठीक <laughs> है अब मैं पहने करके अरे बिग बॉय टॉयज है <laughs> मैं क्या, कै, कैसे बात करूंगा कैसे एकदम प्रोफेशनल वेरी चिल mm -hmm. बहुत अच्छे से उन्होंने दे दे मेड मी कम्फर्टेबल एज वेल सो दीज वर द मोमेंट्स यू नो जब वो शेल टूटा एंड की आई कैन डू दिस इट्स नॉट वेरी टफ कोई इशू नहीं है सो इवेंचुअली इट्स आई एम कम्प्लीटली ओवर इट नाउ अब crazy. मेरे को कोई भी हो मतलब अ राइट उसका एकदम से कॉल आ गया और इसी से मल्टी मिलियन है उसी कोई बहुत बड़ी कंपनी है कॉल आ गया आई पिकट अप आई टॉप टू हिम लाइक ठीक है आई नो वट एम डूइंग आई नो वट आई रिक्वायर कि मेरे को किस चीज़ की बात करनी है आई एल टॉप टू हिम कोई दिक्कत नहीं आएगी अब सो दिस वॉज अ चैलेंज जो बैंगलोर में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट हुआ राइट mm. right? एकदम से तो ओवरकम नहीं होता लेकिन आज yeah. से अब वो बिल्कुल ख़त्म है अदर दिन दैट एनी अदर चैलेंज आई डोंट थिंक एसे चैलेंजेस थे आई वॉज रेडी फॉर चैलेंजेस hmm. कम भी इसलिए थे बिकॉज यू नो आई डिड इट अलोन दी ओनली चैलेंज अब क्या होता है विन यू हैव अ टीम राइट ट्राइंग टू मेक श्योर एवरी मैं क्या करता हूँ मैं अपने इंस्टिंग्स पे जाता हूँ मैं फर्स्ट कार मीट पूरे अपने इंस्टिंग्स पे की थी मैंने अगर कुछ विजुलाइज़ कर लिया मेरे को ऐसे चाहिए सो hmm. so, मैं वैसे उसको करता हूँ मेरे को अब उसके बाद मम्मी पापा बोले कोई भी बोले सेम अपन इन बैंगलोर इस बार मैंने इवेंट मैनेजर रखा था hmm. पर क्या था मैंने अगर विजुलाइज़ कर लिया मुझे इस तरीके से चाहिए तो मैं इवेंट मैनेजर के साथ भी लड़ दूंगा फिर कि मेरे को चाहिए ऐसे ही चाहे अब उसके बाद वो खराब जाए ठीक है दैट दैट इज़ अप टू मी टू ओन इट पर अगर मैं मैंने अगर मेरे इंस्टिंक्ट है कि वो वैसे करना है मैं उसके साथ ही जाऊँगा मेरे को कोई इश्यू नहीं है एंड फॉर्चुनेटली ना सारे इंस्टिंग अभी तक बढ़िया जा रहे हैं कुछ ऐसे इशूज इशूज़ नहीं आ रहे सो so, सोलो करने का एक वो स्लाइड बेनिफिट है आधा दिन दैट की मतलब सोलो करने में टाइम एंड एनर्जी हो जाती है दैट्स इमेजरेबल वो थोड़ा

ब्यूटिफुल बहुत बढ़िया आई मीन इट अमेज मी एट योर एज आई थिंक दैट यू टॉकिंग अबाउट के मी गोइंग इन टॉकिंग टू बिग बॉयस टॉयज एंड देन इफ एनी मल्टी मिलियन ऑल्सो कम्स इन ऑल दैट एंड आई सो यू व सो हैंड्स ऑन यू आर रनिंग थ्रू आउट आई डोट नो इफ यू टू अगर उज दिन इफ यू वेरिंग लाइक स्मार्ट वॉच इज समिंग आई थिंकली वो उस इवेंट से तो पहले ही हो जाते हो सुबह से भाग रहा था मैं <laughs> आप लोग आप लोगों ने इवेंट में देखा बट क्रेजी क्रेजी सम वर द मोस्ट मेमोरेबल हाईलाइट पहले की बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं फर्स्ट कार मीट तो पूरा मेमोरेबल हाईलाइट में गया है नो मोमेंट तैयार की यू नो जब मेरे को लगा यार ये नहीं होना चाहिए दिस एवरीथिंग वाज वेरी मेमोरेबल आई Still, you know, keep looking at the the old those old videos, nice. And I feel so good about it. Yeah. So second car meet mein, uh, you know, having two of the giants of the automotive industry in India, Mr. Imran Majid and Mr. Sean Rogers, that is something that I don't think I'll forget for a long time to come. Mm. You know, was crazy having both of them at the mm -hmm. same car meet you know mm -hmm. mid, had a great pull as well yeah but you know talking to them talking yeah. to those guys they they're a gem of a person yeah. they're very sweet they yeah. agreed they were very supportive as well yeah. other than that it was definitely the drift zone that yeah. was definitely a highlight crazy and you know it's not... मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ड्रिफ्ट का रहेगा <laughs> लेकिन जब भी मैंने देखा ये you ना know, कि वो ड्रिफ्ट जोन पूरा यू यू इन द द कार एज वेल राइट एंड आल्सो लास्ट में गया था मैं। मैंने कहा यार मेरी कार मीठा मेरा जाना एक बार हाँ, तो, है। तो लास्ट में गया मैं प्रतीक भैया एफ्टन दलाल हर्ष भैया फ्रॉम स्पोर्टेक स्पोर्टेक्रिएट गाइज क्या बढ़िया ड्रिफ्टिंग की उन्होंने you know, they, they like, की हम करते रहेंगे मेरा प्लान था कि यू नो बीस थोड़ा ब्रेक ले लिया हाँ. stop, करते रहे, करते रहे that was, that was काफी बढ़िया रहा था वो फॉर इट लाइक सिटिंग इन पैसेंजर सीट ऑफ अ ड्रिफ्ट कार सो मैं देखो पहली बार बैठा था ठीक hmm. है मेरे को भी आज सच आइडिया तो था नहीं क्या hmm. होगा इट जस्ट क्विकली समझ नहीं आता कि यू नो कहाँ कार जा रही है ज्यादा बाहर वो भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे हो कौन से पॉइंट पे हो कहां पे टर्न ले रहे हो इट hmm. इट की वो पूरे हिलते <laughs> हिलते गाड़ी के स्क्रीचिंग की आवाज आएगी ड्रिफ्टिंग yeah. की आवाज uh. आएगी एंड उसी में खुश हो जाओगे कुछ बढ़िया हो रहा है मजा आ रहा है सो दैट वॉज ग्रेट बट लुक्रेडिबल बिकॉज आई वॉज इन साइड वेन यू आर बीफ्टेड बाई प्रतीक एंड the sound the noise the rubber mm. and and seeing those cars bahut kam jagah mein that big car moving उस yeah, yeah. crazy but जो experience है ना जो बाहर देख के दिखता है yeah. and अंदर से it's very different of course next car meet में आना वो अंदर बैठेंगे next car meet में मेरे को बैठाना है <laughs> done ने ने done done आना दो. so okay um, tell me one thing so

Hmm. लेकिन गोल वही है कि एक ना इंडिया का कार कल्चर बने बाहर yeah. लोग बात करें कि ये तो इंडिया का कार कल्चर है yeah. सार्थक यूर के यू you नो know, पहले द बिगेस्ट चैलेंज वॉज यू नो यू बीइंग इंट्रोवर्टेड ऐसी कोई कहानी समथिंग यू नो वेयर यू रियली हैड टू कम आउट ऑफ योर शेल ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस विद मंत्रा दैट वाज एवरीडे बट वन स्पेसिफिक मोमेंट सो अब मैं बिग बॉय टॉयज को आई गॉट दम एज अ स्पॉन्सर फॉर द फर्स्ट कार में इट तो लास्ट फ्यू डेज में ही था आई बहुत ही ज़्यादा उनके साथ यू you नो know, पहले से बात पहले से चल रही थी बट लास्ट फ्यू डेज में अप तो मुझे बताया बिग बॉय टॉयज ने कि जतनाहूजा मिस्टर जतनाह आउजा के साथ मेरा कॉल सेटअप है इन थर्टी मिनट्स अब मैं सोचा यार मिस्टर जतनाह आऊजा ये तो ऑटोमोटिव सी मेरा फर्स्ट टाइम ही था मैं किसी इतने बड़े पर्सन से हु दिस इंडस्ट्री बात करने वाला हूँ राइट right? मैं अपने नोटबुक निकाली मैं कहा नोट्स बनाता हूँ क्या क्या बात करनी है कैसे बात करनी है ऐसे प्रोफेशनल रखूँगा ये ये बोलना है सर करके बात करनी है ये सब करना है तीस मिनट हुए कॉल आया मैं कहा हाय सर इज लाइक हाय ब्रो हाउ यू तो मैं कहा यार ये तो कैजुअल हो गई ये तो नोट्स में नहीं लिखा था मैंने अब मैं क्या करूं मैं नोट्स देख रहा हूँ कहा कौन सी बात करूँ सो so, उस टाइम मैं पैनिक थोड़ा सा हुआ था लेकिन यू नो फिर मैं नॉर्मली बात करने लग गया कि उनकी तरफ से भी बहुत यू नो सपोर्ट मिल रहा था कॉन्वर्जेशन में ऐसे नहीं किसी मुझे बात करनी पड़ रही थी सोल है वेरी गुड कॉन्वर्जेशन ही सच अ ग्रेट गाय बहुत अच्छे से बात कर रहे थे ही हेड एफ यू गाइडेंस फॉर मी एज वेल तो

आई नो एंड यू माइट ऐसे फ्लो होगा आ, रे, रे, रे रे ऐसा जाएगा? तो चल रहा था मेरा आधे घंटे से वो पूरा रिहर्सल टूट गया अब तो ये चीज है उसमें भी ये कॉल करूंगा ये ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये होता था कि पहले रिवर्स कर लिया फिर उसको उठा के वो सीधी लाइन में जल्दी जल्दी से बोलता था थैंक यू अब ऑफकोर्स ऐसा नहीं है

हूं hmm. तो बिस्तर से मेरे में शक्ल ही मैंने कहा क्या लग रहा है तू आई वेंट मैं नहाने चला गया मैंने अच्छे से शावर आवर लिया शैम्पू किया कंडीशनर किया मीटिंग कॉल पे थी या? फोन पे थी तो फोन पे थे और नहाने गया फिर भी आई वाज like, <laughs> मैं गंदा बनके चूड़ा हाँ. बनके बात नहीं करूंगा आई एम गोना वेयर द बेस्ट क्लोथ आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन आई टॉक टू हिम बट अगेन सेम चीज हाय रूपन हाउ आर यू कैसे हो इट वाज क्रेजी एनी वेड बैक अच्छा ये बताओ मैंने खुद देखा सो so जब हम थे इवेंट तब मैं लाइव गया ऑन वॉट्स बेंगलुरु आई गोट अ लॉर्ड ऑफ कॉमन सेंगे हमें टिकट खरीदनी थी बट हम खरीद नहीं पाए सो hmm. so, ऐसा कुछ हुआ था दट ऑबियसली आई नो दोल्ड आउट रियली क्विकली तो पीपल रीचिंग आउट टू यू एंड हाउ डिज यू मैनेज दैटी फर्स्ट में टिकट गॉट सोल्ड आउट वन डे बिफोर राइट विद द हाइप जो चल रही थी मेरे को पता था इस बार गुड एक हफ्ते पहले चली जाएंगी एंड फर्स्ट कारमीर में क्या हुआ था अगले दिन कारमीर थी मेरे को टिकट सोल्ड आउट से लेके कारमीट तक मेरे को 200 कॉल आ गए होंगी कि हमें टिकट चाहिए अब अच्छा भी नहीं लगता कि सबको मना करते रहो कि यू you नो know, नहीं हो पाएगा सॉरी और मेरे को बात भी इस तरीके से करनी थी कि हम सो सॉरी नहीं हो पाएगा इवेंट पाँच बजे शुरू होना है चार बजे भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं मैं कॉल उठाता था, था। हाई टिकट नियम सो सॉरी <laughs> <कौल कर थे। laughs> तो ऐसे स्विच हो गया था वो सो so, इस चीज़ के लिए मैं रेडी था इस बार हाँ। नंबर अपना इंस्टाग्राम से हटाना है हाँ। नंबर अपना वेबसाइट से हटाना है हाँ। हर जगह से नंबर हटा देना है क्योंकि टिकट खत्म होने के बाद मेरे को पता है बहुत कॉल आएंगे टिकट सोल्ड आउट हुई नो कॉल्स हम लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं अब होता रहेगा एक तो दिक्कत भी ये थी कि सिर्फ मैं हैंडल कर रहा था तो ऐसे हाँ। भी नहीं था कि किसी और का नंबर दे दूँ वो कर ले फिर भी मेरे पास गुड हंड्रेड कॉल्स आई अब उनका कॉल आता था कि टिकट चाहिए मैंने कहा पहले मेरे को ये बताओ नंबर कहाँ से मिला <laughs> नंबर गूगल से मिला कहा गूगल से मिला मैंने फिर गूगल पे चेक किया हाँ। गूगल ने सारी डिटेल्स डाल रखी थी कि विप मंदरा टू पॉइंट ओ जहाँ सतवा नॉलेज कोर्ट में कारमेर थी उन्होंने विप मंदरा टू पॉइंट ओ मोटरिंग क्लब इन बेंगलुरु सतवा नॉलेज कोर्ट की उन्होंने लोकेशन डाली और मेरी डिटेल्स डाली हुई है oh. उसमें फिर ऑप्शन वगैरह था नंबर वगैरह हटाने का ये सारी चीज़ें हट uh -huh. तो गया था वॉज ऑलरेडी टू लेट <laughs> इतने सारे कॉल्स आए थे मेरे पास ठीक है ऑन स्पॉट टिकटिंग रखी नहीं थी मैंने राइट uh बिकॉज -huh. right? मेरे को क्या था आई नीट आई मैं अपनी जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं uh -huh. करना चाहता आई न्यू द सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल जो मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ मेरे को उतने रखने थे ठीक है फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है क्वालिटी डाउन होती है किसी को मजा नहीं आता वो भी फिर मेरे ऊपर आ जाता कि अरे क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता सो आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द फैक्ट कि टिकट खत्म अब बिल्कुल <laughs> हो गया होगा। <laughs> वो फोन कर रहे हैं पूछने के लिए यार टिकट विकेट है कहते तू पहले ये बता <laughs> तो <ते> नंबर कैसे क्रेजी ओके सार्थक व्हाट सेट्स विद मंत्रा सो वट आई थिंक इज एक तो जो मैं वाइब एंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ ना लोगों hmm. को दट सम दैट्स यू नो वेरी रेयर राइट नाउ एटलीस्ट इन इंडिया फॉर शोट दैट अंडरग्राउंड वाइब एंड यू नो टोक्यो जैसी फीलिंग दे रहा हूँ उस तरीके का लाइटिंग सेटअप हो रहा है सो दैट समथिंग दैट डिफरेंट एंड वन मेजर फैक्टर दैट आई फील इज आई कंसिडर दिस एज अ पैशन प्रोजेक्ट आई डोंट सी दिस एज अजनस मॉडल मेरे लिए मेरे को ये नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल है मैं ये ये करूँगा तो ऐसे पैसे बढ़ेंगे मेरे में इसको आगे स्केल <laughs> कर पाऊंगा मैं इसको पैशन प्रोजेक्ट की तरह देखता हूँ मैं इसको ट्रीट भी उसी की तरह करता हूँ दोज ऑल दीज मंथ्स जब मैंने कार मीट के लिए प्रपेयर किया ना हाउ एवर है दोज आर बिन द बेस्ट मंथ ऑफ माई लाइफ टॉकिंग टू सो मैनी पीपल यू नो ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट एंट्रोवर्ट शेल इतने सारे और एहतजाज से गाड़ियों के बारे में बात करना बाहर mm. निकलना काम करना ये सारी चीजें करना सो इट्स अ प्योरली अ पैशन प्रोजेक्ट एंड आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे इन सेटिंग इट अ पार्ट एज वेल सो आई थिंक दीज आर टू थिंग्स दैट आई फील सेट्स विप थिंगील से क्रेजी थोड़ा फन करते हैं ठीक है आई हैव दिस फन क्विज सिंपल स्ट्रेट दिस और दैट ठीक है ओके पहले में तो तीन ऑप्शन है Okay, and this is super relevant to hmm. the Indian luxury scene. All right. Audi, Mercedes <laughs> Benz, or BMW? BMW. I really want to know the answer. What? Japan versus Germany. Germany. Hmm. German builds all day. Hmm. Supra versus R34. R34. Good choice. Ferrari versus Lambo. It's it's very tough. It's it's honestly very tough. But I will give it to Ferrari just for that beautiful heritage it it, huh? it holds. Uh, that's I think Ferrari screams old money, but Lamborghini is like out there, like those. Yeah, it, it's, it's it's honestly it, it's it's very tough. Man. See, I mean, all the cars are same for me. Hmm. Be it JDM, German built Ferrari, Lamborghini. I love all of them. Hmm. But if I gotta choose between Lamborghini and Ferrari, slightly I'd go for Ferrari. Yeah. And we had a Ferrari two nine six, GTV. At, yeah. At the Vip mantra event in Bangalore, beautiful red, <laughs> yellow uh, brake calipers, mm. beautiful. Okay, Indian scenario. Mm hmm. Fortuner or Endeavour. <laughs> <laughs> Fortuner, it's running. I mean, there's a reason. Also, Toyota. आप आज जिस कीमत पे फॉर्चूनर खरीद रहे हो कई लोग तीन साल चार साल बाद उसी क्यों तो बेच रहे हैं उसको हाँ फॉर्चुनर की रिसेल वैल्यू इज गोइंग

it's still smoothly running and that's Toyota that's Toyota that's Toyota so that engine the build quality and everything the reliability that you get with the Japanese car yeah manual versus automatic manual I mean see Bangalore का जो traffic था it tested me a lot because मेरे को वहां पे मेरे पास manual car थी हाँ it tested me a lot but I'm still gonna stick with the manual ओके <laughs> <Okay. laughs> Naturally aspirated versus a turbocharged or a supercharged? Naturally aspirated, just for the pure, you know, ex pure real experience of driving a car. The Acceleration, you feel everything. Yeah, of course. Super. Supercar versus muscle car. Supercar. And muscle cars are beautiful as well. I love the sound as well, but yeah. supercar. Because they look beautiful. The they look beautiful. Damn. SUV or sedan? SUV. I mean, depends. See, it's if it's a mid mid segment or if it's for me to drive here in mm India, hmm. SUV. वो जो फील होती है ना उसकी ऊपर बैठ के सबके साथ सारे साइड जगह देते हैं <laughs> फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट लेके निकलो हाँ। राइट लेना है लेफ्ट लेना है सारी गाड़ी रुक जाती है भाई तू जा तू लड़ाई हो जाएगी पता नहीं क्या करेगा गुड़गा अच्छा वो शक्ल नहीं देखते मेरे शक्ल देखने के बाद तो वो पंगे ले लेंगे <laughs> कोई पंगे नहीं लेगा सबको पता है मंत्रा का बंदा है तू बाहर लोगों लगा दूंगा अपनी mm, गाड़ी के एग्जैक्टली <laughs> ब्रो exactly. होना चाहिए तो एनी वे ऑफ रोड वर्सेस ट्रैक ट्रैक इट्स मोर अबाउट द स्पीड फॉर मी सो ट्रैक बट है आई वुनेटली बट ट्रैक सुपर अब देखा जाए तो ऐसे मैंने ट्रैक भी नहीं किया है ठीक है वो ऐसी गाड़ियाँ भी नहीं है मेरे पास कि मैं ट्रैक करूँ बट आई एम गेटिंग इनटू द सीन मेरा इनिशियली गोल ये था ना कि मैं कार सीन uh, में आऊँ hmm. सारी चीज एक्सपीरियंस करूं या सो सून सुपर्ब दैट इज इट माय फ्रेंड दिस वाज अ लवली कन्वर्सेशन ब्रो या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू सो फॉर कमिंग मैन एंड सुपर्ब लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 3 या डेफिनेटली इट्स गोना बी बिगर एंड बेटर एंड मोर अमेजिंग या Killer. <laughs> Alright, thank you. Thank you, my man. Guys, this was it. I had the most amazing conversation with my friend Sarthak. If you like such conversations, like, share, comment. And do follow WhatsApp people. Cheers.